भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति द्वारा रविवार को महोली रोड पर निकाली गई शोभा यात्रा से समूचा नगर भगवान परशुराम के जय घोषों से गूंज उठा। इस शोभा यात्रा में समिति द्वारा अनेकों मनभावन झांकियां सम्मिलित की गईं, जो सभी का मन मोह रही थी। विप्र समाज द्वारा जगह जगह शोभा यात्रा का आरती उतार कर व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा महोली रोड स्थित रमन लाल शोरावाला स्कूल से प्रारंभ होकर नए बस स्टैंड, बीएसए कॉलेज रोड द्वारिकापुरी होते हुए राधिका बिहार पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति के पदाधिकारियों ने शोभा यात्रा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। आज हर्ष का विषय है, भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो महोदी रोड पर होकर के राधिका बिहार तक के लिए जाएगी। इसमें मैं अपने सभी ब्रजवासियों को, विप्र बंधुओं को और मथुरा में पधारने वाले भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान परशुराम सब पर कृपा बनाए रखें, सभी सुखी रहें, और जैसे भगवान परशुराम ने कभी भी अत्याचार को सहन नहीं किया था, विप्र बंधुओं से भी निवेदन है, क्योंकि समाज में अग्रणी भूमिका रखते हैं, किसी भी तरह के अत्याचार को, किसी तरह के अनाचार को सहन नहीं किया जाएगा। इस शोभा यात्रा का सिर्फ यही संदेश है। शोभा यात्रा निकाली जा रही है भगवान परशुराम की, कितनी झांकियां इसमें सम्मिलित की गई है, और ये शोभा यात्रा कहां से शुरू हुई और कहां से मैं बता लगभग 25 झांकियां इसमें हैं, सभी इष्ट देवों की हैं, ब्राह्मणों के सभी इष्टों की हैं, सब ऋषियों की हैं, और ये रमनलाल सोरावाला पब्लिक स्कूल से इसको यात्रा को शुरू किया गया है, और ये बस स्टैंड से राधिका बिहार होते हुए पार्क पर जाके इसका समापन होगा। मैं आज के पावन पर्व पर आपके न्यूज चैनल के माध्यम से समस्त ब्राह्मण समाज और विप्र बंधु वो सभी बधाई के पात्र हैं जो इस शोभा यात्रा में चल रहे हैं और अपना समय दे रहे हैं और विप्र समाज का प्रचार प्रसार और परशुराम जी का महापर्व मना रहे हैं। धन्यवाद।